नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ GNSR ऑडियो बुक सामान्य और सहायक नियम 1976 अध्याय 3 सिग्नल पार्ट 22। स्थावर सिग्नल का अभाव या बिना बत्ती का सिग्नल। पहला का, यदि किसी स्थान पर जहां साधारणतया स्थावर सिग्नल रहता है कोई स्थावर सिग्नल नहीं है, अथवा खा, यदि किसी सिग्नल की बत्ती नहीं जल रही है जब उसे जलना चाहिए, अथवा गा, यदि रंगीन बत्ती की जगह सफेद बत्ती दिखाई देती है, अथवा घा, यदि सिग्नल का संकेत भ्रामक है या अपूर्ण रूप से दिखाया गया है, अथवा अड़ा, यदि एक से अधिक संकेत दिखाई देते हैं तो लोको पायलट यह मानकर चलेगा कि वह सिग्नल अपना सबसे प्रतिबंधित संकेत प्रदर्शित कर रहा है, परंतु यदि रात्रि के समय केवल आने वाली गाड़ी के किसी लोको पायलट को सेमाफोर रोक स्टॉप सिग्नल की बत्ती बुझी मिलती है तो वह अपनी गाड़ी को उस सिग्नल पर रोक देगा। यदि उसे सिग्नल की दिन की स्थिति साफ साफ दिखाई देती है और उसका इस बाबत समाधान हो जाता है कि सिग्नल ऑफ स्थिति में है, तो वह सतर्कता पूर्वक प्रतिबंधित गति से उस सिग्नल को पार करेगा और अपने से संबंधित सभी मध्यवर्ती इंटरमीडिएट रोक स्टॉप सिग्नलों का, यदि कोई है, पालन करते हुए स्टेशन तक पहुंचेगा और उसकी रिपोर्ट स्टेशन मास्टर को आवश्यक कार्रवाई के लिए करेगा। दूसरा, जिन स्टेशनों पर पी चिन्ह मार्कर वाले रंगीन बत्ती सिग्नल लगे हैं, वहां यदि सिग्नल में कोई प्रकाश नहीं है या अपूर्ण संकेत मिलता है तो लोको पायलट अपनी गाड़ी को खड़ी कर देगा, किंतु यदि उसका इस बाबत समाधान हो जाता है कि सिग्नल पर पी चिन्ह मार्कर लगा है तो लोको पायलट अगले रोक स्टॉप सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ेगा और उस सिग्नल के संकेत से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। सहायक नियम 3.74.1 पुनरावर्ती सिग्नल जो अंग्रेजी अक्षर R से जाना जाता है सतर्कता पूर्वक पार किया जा सकता है, भले ही सिग्नल की भुजा अथवा बत्ती ठीक से दिखे अथवा सिग्नल की बत्ती बुझी हो। आगे वाले सिग्नल से संकेत मिलने पर लोको पायलट आगे कार्रवाई करेगा। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।